बड़े में एनालिसिस करने वाले पीएनबी स्टॉक के बारे में देखेंगे। पीएनबी में अपने को क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, स्टॉक का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बात करते हैं। बहुत टाइम से स्टॉक ने अपने को मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अराउंड स्टॉक लगातार हम लोग को नीचे की तरफ लो लो टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है और कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिला 105 रुपये के पास। तो यहाँ से सपोर्ट की बात की जाए तो स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट एरिया है 100 रुपीज़ का लेवल, जो कि एक अराउंड लेवल भी और साथ में साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक 100 रुपीज़ के ऊपर पीएनबी स्टॉक ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो किसी को प्रेस बाइंग करना है करेंट लेवल परचेस करेंगे, मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे 110 रुपये के ऊपर, क्योंकि फिलहाल में स्टॉक एक छोटा सा रेंज बना के ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जिसके ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है 110 रुपये का लेवल के पास और नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है जो कि अराउंड 100 रुपीज़ के पास। ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा, जैसे स्टॉक 110 रुपये के ऊपर निकलता है स्टॉक में शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहला टारगेट टच होते दिखेगा 120 से लेकर अराउंड 130 रुपये तक का, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 150 से लेकर इवन 200 रुपये तक का भी टारगेट अपने को टच करते हुए दिख सकता है पीएनबी स्टॉक में। तो किसी को फ्रेश बाइंग करना है करंट लेवल पे बाई करेंगे, ऐसा लगाएंगे 100 रुपीज़ के नीचे जो कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ मोमेंटम अगर 110 रुपये के ऊपर निकलते हुए दिखते हैं तो बड़ा टारगेट स्टॉक टच करते हुए दिखा सकता है। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।